ये घड़ी है परीक्षा की, ये वक्त है टेस्ट का। तो आज हम लोग करेंगे टेस्ट योर नॉलेज, आपके नॉलेज का टेस्ट। और ये है इंडेक्स 36 का, टेस्ट योर नॉलेज का पार्ट। इसके पहले आपने इलस्ट्रेशन का पार्ट देख लिया, दैट कंसिस्ट ऑफ 25 एंड टेस्ट ऑफ नॉलेज कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इट इज सेइंग, Apex Limited is engaged in manufacturing of steel utensil. Okay, no worries. बनाइए, steel बनाइए. It owns a building for its headquarter. Oho. The building used to be fully occupied for internal use. अच्छी बात है. However, recently the company has undertaken a massive downsizing exercise, as a result of which 1/3 of the building became vacant. मतलब नौकरी से निकाल रहे भाई. पता नहीं क्या हो गया इसका। दिस वैकेंट पोर्शन हैज नाउ बीन गिवन ऑफ ऑन लीज फॉर 6 ईयर। और उस वैकेंट 1/3 पोर्शन को उन्होंने लीज से वहां से इनकम जनरेट किया। डिटरमाइन द सीजीयू ऑफ द बिल्डिंग। आपको बताना है कि सीजीयू क्या है, मतलब कि पूरे बिल्डिंग की सीजीयू क्या है। सीजीयू आपको पता ही है, सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट, इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिएबल और कैपेबल फॉर जनरेटिंग कैश इनफ्लो। चलिए आंसर देखते हैं। सीजीयू ऑफ द बिल्डिंग इज एपेक्स लिमिटेड एज अ होल, एज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द बिल्डिंग इज टू सर्व एज अ कॉर्पोरेट एसेट। तो पूरा एज अ होल, बिकॉज इनके बिना कैश इनफ्लो जनरेट नहीं होगी। आइडेंटिफिएबल हो सकते, इंडिपेंडेंट हो सकते, बट दे कैन नॉट जनरेट वॉट कैश उस बिल्डिंग का, क्या जो बिल्डिंग बिना कंपनी की होगी। तो एपेक्स लिमिटेड इज अ सीजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबीसी लिमिटेड हैज 3 कैश जनरेटिंग यूनिट। सीजीयू यहां पे 3 है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है उनका, ओके, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी दिया हुआ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कैरिंग अमाउंट ऑफ विच एज ऑन 31 मार्च 2001 दिया हुआ, ठीक है। एबीसी लिमिटेड ऑल्सो हैज 2 कॉर्पोरेट एसेट हैविंग अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। उनके पास 2 कॉर्पोरेट एसेट भी हैं, कोई बात नहीं। इसमें कुछ रिमार्क्स है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स कैन बी एलोकेटेड टू द रीजनेबल बेसिस पे, उसको एलोकेट कर सकते हो प्रोराटा बेसिस पे टू द इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट। इसको मतलब इसमें प्रोराटा बेसिस में इनके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। The carrying amount of Y cannot be allocated on a reasonable basis to individual cash generating unit. But भाई साहब ये बोले हमको नहीं आप allocate कर सकते। Recoverable amount दिया हुआ ABC 600, 900, 1400 और ABC Limited पूरी company as a whole का भी recoverable amount दिया हुआ है। Calculate the impairment loss and ignore decimal। अच्छा, ये भी बताने की जरूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे सीजीयू के बारे में डेटा दिया हुआ है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें कॉर्पोरेट एसेट का भी एलोकेशन दिया है। एक में बोला कि एक कॉर्पोरेट एसेट आपका प्रोराटा बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब आप इसमें कंबाइन कर सकते हैं और एक को नहीं कर सकते। और उसके बाद CA भी दिया हुआ, RA भी दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उसको लाइफ भी दी हुई। और आपको निकालना है CA-RA, दैट इज इंपेयरमेंट लॉस। सो लेट्स फाइंड आउट। भाई साहब खुल द कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स इज एलोकेटेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ईच इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट। जो एक्स का कॉर्पोरेट एसेट एक्स था उसको ईच इंडिविजुअल सीजीयू में एलोकेट कर दिया गया। A weighted allocation basis is used because the estimated remaining useful life of the is cash generating is 10 year. Okay, whereas the estimated remaining useful life of B and C cash generating unit are 20 year. यहाँ पे बोला गया है कि 3 CGUs हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको किस बेसिस पे बांटे। अब कोई भी ये एसेट 10 साल में खत्म हो जाएगा, ये 20 साल लगेगा, ये भी 20 साल लगाएगा, तो इसको वेटेड एवरेज के बेसिस में बांटा गया है। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि क्या है।
कैरिंग अमाउंट 505, ये है इनका टोटल, ये हो गया। यूजफुल लाइफ 10 साल 20 साल, और ये रहा वेटेड बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ से वेटेज ले लिया गया यहाँ पे, ये रहा 1 × 1500, और ये हो गया वेटेड एवरेज, मतलब वेट के हिसाब से डिवाइड होता है बेसिकली, अगर एक लाइन में बोल दिया जाए तो वेटेड एवरेज उनकी जो वैल्यू है उस हिसाब से। जैसे कि अगर ये 10 ईयर, मतलब 10 ईयर्स है तो इसको 1 मान के, मतलब इसकी वैल्यू को 1 माना जाएगा, मतलब टोटल ओवरऑल टोटलिटी में। आई होप आप जानते हो कि क्या है कैरिंग अमाउंट को वेट यूजफुल लाइफ के वेटेड एवरेज से डिवाइड किया गया। ठीक है, कैरिंग अमाउंट आफ्टर असाइनिंग द वेटेज ये हो जाएगा, ये आप प्रोराटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 500, 1500, 2000, 4200 से डिवाइड हो जाएगा, और 500 / 4200 और 1500 इतना इतना करके, और इनटू डायरेक्ट भी कर सकते हो आप या फिर एलोकेट कर सकते हो परसेंटेज निकाल के, तो ये एलोकेट कर दिया गया। ये इजी है आई बिलीव, फिर मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए हुआ कुछ नहीं है, इनकी वैल्यू है 5, 750 और 1100, ठीक है, लेकिन इनकी यूजफुल लाइफ है 10, 20, 20, तो डायरेक्ट इससे इंटू कर दो या फिर 1, 2, 2 से कर दो, मतलब 500 एक जैसा सेम लाने के लिए किया जाता है, 500 नहीं 1500, 2 से इंटू होगा ना, ये 2200 और इसका टोटल हो गया 4200। अब आप x का जो एलोकेशन है उसको इसमें कर सकते हो, ठीक है, आप 500 / 4200 ये परसेंटेज में आ जाएगा खुद ही, या बस ये परसेंटेज आ गया, इनटू कर दो जो आपको डिवाइड करना है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि यहाँ पे है x की वैल्यू क्या है, ऊपर है यार, ये भी तो प्रॉब्लम है इसमें, 600 है, ठीक है, तो 600 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1500, कुछ लोग बोले क्या पढ़ा है, बोल रहा है यार ये भी बताओगे क्या, नहीं ठीक है यार, आई बिलीव यू शुड नो इट, होता है कभी कभी यार आती हुई चीज भी एग्जाम में नहीं आती, दैट इज वॉट आई एम डूइंग इट, और स्पेशली अपने मैथ वाले हैं तो मैथ वालों को थोड़ा सा समझ रहे हो, मैथ वाले क्या है मैथ को लेके हम लोग का कितना प्रेम है। अच्छा 600 यहाँ पे भी दिया हुआ था, हम ऊपर देखने चले गए, हम भी तो क्या बनाए अपने आप, तो आ गया बेसिकली, और कुछ नहीं करना है इसमें, एलोकेट हो गया तो ये ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा और ये इससे ऐड होगा, तो ये सी आ गया आफ्टर एलोकेशन ऑफ एक्स। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस करते हैं, स्टेप 1 इम्पेयरमेंट लॉस फॉर इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग, 1, 2, 3, ये हो गया सी ए, ये हो गया आर ए, जो कि एज गिवन इन द क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस इसमें होगा, अब इसमें तो ये आर ए ज़्यादा है तो कैसे होगा, यहाँ पे आर ए कम है तो होगा, यहाँ पे भी ये 1412 है, मैं सोचता क्या हो गया, ये भी कम है, तो 12 और 66 हो गया टोटल इम्पेयरमेंट लॉस, कितना हो गया 268617 आई बिलीव। अब एलोकेशन करेंगे इसका इम्पेयरमेंट लॉस का, किसमें किसमें होगा वो देखना होगा, कॉर्पोरेट एसेट का थोड़ा सा जमेल आएगा उसको आपको समझना होगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 78, अब इसको एलोकेट करना है, एलोकेट देखो कैसे करते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया, बी और सी में ये यहाँ पे तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस है नहीं, इस सीजीयू में कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, ठीक है, बी और सी सीजीयू में, तो अब बी और सी में क्या कंपोनेंट एक्स का भी पार्ट जुड़ा हुआ है उसमें, जी हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, एक्स का भी पार्ट जुड़ा हुआ है उसमें, एक्स का पार्ट कितना है, एलोकेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स 72, 206 और 312, तो बी में कितना है 216 और सी में कितना है 312, ओके, तो बी का है 66, तो 66 इंटू 216 डिवाइडेड बाई 966, मतलब टोटल बी का जो है कैरिंग अमाउंट, जो कैरिंग अमाउंट है
सो उसे डिवाइड कर देंगे, मतलब इस रेशियो में बांट देंगे बेसिकली 216 और ये आई बिलीव 750, हाँ, और ये 312 और 1100, इन दोनों रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि ये एक्स का पार्ट ये है और ये अदर सीजीयू है, ये भी एक्स का पार्ट ये और ये अदर सीजीयू, तो वही बांट दिया गया उसी रेशियो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब अगला पार्ट क्या है इसमें, स्टेप टू, इंपेयरमेंट लॉसेस फॉर द लार्जर कैश यूनिट दैट इज लाइक एबीसी लिमिटेड। अगर लार्जर यूनिट में देखा जाए तो क्या होगा, इंपेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट अपना इतना 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 था, एक्स और वाई का भी दिया हुआ, टोटल ये रहा कैरिंग अमाउंट का टोटल, इंपेयरमेंट लॉस अपने कैरिंग अमाउंट आफ्टर स्टेप वन, एक्स का कैरिंग अमाउंट कितना था 18, इसका 9, इसका 51, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एलोकेट किए थे ना अपने, तो ऊपर देखेंगे तो पता चल जाएगा, देखिए एक मिनट में दिखाता हूँ, बी का कितना है 51, सी का कितना है 9, ओके, और ये है 18, 3 + 15, तो इनका इंपेयरमेंट कर दिया अपने, इंपेयरमेंट करने के बाद जो मेरी वैल्यू आई कैरिंग अमाउंट इतना 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 हो गया, तो 3072 ये कैरिंग अमाउंट हो गया, और हमारा जो आरए है, व्हाट वी हैव आरए, हमारे पास एक आरए था ना, रिकवरेबल अमाउंट लार्जर यूनिट का, वो है ये, तो ये आरए क्या है ज्यादा है, तो लार्जर यूनिट पे नो इंपेयरमेंट लॉस, हर सीजीयू पे देखेंगे तो इंपेयरमेंट हो रहा है, अगर लार्जर यूनिट पे कर रहे हैं तो सीजीयू नहीं हो रहा है। अब लार्जर यूनिट का आरए कहाँ दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन नंबर जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाए। देखिए ये रहा आरए इसका, चलिए तो दोनों इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, सी माइनस आर ए अपना नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, एक्स का इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो हमें डील करना था, एक्स को एलोकेट करने के लिए वेटेड एवरेज लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इनकी लाइफ अलग अलग है, अगर नहीं रहता लाइफ अलग अलग तो लाइफ अलग अलग नहीं रहती तो इसी रेशियो में डाल देती, लेकिन वेटेड एवरेज लगाना पड़ा क्योंकि इनकी यूजफुल लाइफ अलग अलग। चलिए पेरेंट एक्वायर्स, पेरेंट अक्वायर्स 80% ओनरशिप इंटरेस्ट इन सब्सिडी फॉर ₹2100 ऑन अप्रैल 2000, दैट डेट सब्सिडी नेट आइडेंटिफिएबल हैव देयर फेयर वैल्यू, ओके, इतना पेरेंट्स क्लोज इट्स मेजर फॉर नॉन कंट्रोलिंग एज इट्स प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडी नेट आइडेंटिफिएबल एसेट, द एसेट ऑफ द सब्सिडी टुगेदर आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप, बोला एसेट ऑफ द सब्सिडी टुगेदर, मतलब सब्सिडी ही एक सीजीयू मान लिया जाएगा, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट दैट जनरेट कैश फ्लो दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट इन द कैश फ्लो अदर देन द ग्रुप ऑफ द एसेट, बिकॉज अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट बाय द सिनर्जीज, मतलब दोनों जब मिल जाएंगे तो उसको सिनर्जीज बोला जाता है, ऑफ द कॉम्बिनेशन द गुडविल ऑफ 500 रिलेटिव टू दीज सिनर्जीज हैज बीन एलोकेटेड टू द अदर सीजीयू विद इन द पेरेंट, 500 का गुडविल का एलोकेट कर दिया गया। ऑन मार्च 2002 पेरेंट determines the recoverable amount of the cash generating unit of the subsidy is 1000, okay, the carrying amount of the net asset of the subsidy excluding goodwill is 1350, allocate the impairment loss of the March, क्या क्या डेटा दिया हुआ है पहले वो समझिए, डेटा क्या क्या है, पेरेंट कंपनी, एक कंपनी है एक अपनी सब्सिडी को अक्वायर करती है, ऑनरशिप अक्वायर करती है 80%, कितना रुपया देती है भाई साहब 2100, ये बात है फर्स्ट अप्रैल 2001 की, एट दैट डेट सब्सिडीज नेट आइडेंटिफिएबल फेस उनकी फेयर वैल्यू, नेट एसेट की फेयर वैल्यू कितनी थी 1500, कोई बात नहीं, पेरेंट चूज टू मेजर द नॉन कंट्रोलिंग एज द पार्टिसिपेंट इंटरेस्ट ऑफ द सब्सिडी नेट आइडेंटिफिएबल एसेट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर उनको कुछ मिला तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है,
और कुछ डेटा दिया हुआ है कि इन्होंने 500 की गुडविल बांट ली और यह है सब्सिडी का कैश जनरेटिंग यूनिट, रिकवरेबल अमाउंट कैश जनरेटिंग यूनिट का, और यह है सी, आर ए और सी नीचे दिया हुआ है। अब हमें निकालना इंपेयरमेंट लॉस, सो लेट्स कम टू द आंसर डायरेक्टली। एक क्वेश्चन ऐसा हमने ऊपर भी किया होगा, तो इसमें पहली बात तो आप जब 80% पेमेंट कर रहे हो, 80% पेमेंट किए और उनकी नेट फेयर वैल्यू है 1500, तो 20% का आपको क्या मिला? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो ये रहा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। तो 15 का 20% 300 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट ऑफ द कंसिडरेशन ट्रांसफर टू द अमाउंट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हमने 2100 प्लस 300 की चीज ली, कितना पेमेंट किया? 1500। सो 900 क्या हो गया अपना गुडविल। ठीक है, क्लियर। ये पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, वहां पे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट और डिटेल में किया हुआ। Since the asset of the subsidiary together are the smallest group, the asset that generate cash inflows that are largely independent of the cash inflow other than group subsidiary is the cash generating because कहानी लिखा हुआ ऊपर का पूरा छाप दिया, because other cash generating unit of the parent are expected to benefit from synergy of the company, the goodwill of 500 related to those synergy has been allocated to the other cash generating unit within the parent. 900 में से 500 निकाल के parent में डाल दिया, इतनी कहानी के लिए इतना देर, because the cash generating unit comprising subsidiary including goodwill within its carrying amount, it should be tested for impairment annually or more frequently if there is any indication. ठीक है, so testing देखते हैं, goodwill attributable देखते हैं, यहाँ पे सीधा किया हुआ है testing. Carrying amount क्या है, इसमें से goodwill है 400, testing subsidy for the impairment, net identifiable आते हैं, क्या करके आते हैं 1350, मेरे को लग रहा है कि क्या दिया हुआ था, आर ए और दो फिगर अपने को दी हुई थी क्वेश्चन में, देख लेते एक बार, क्रॉस चेक कर लेते। देखो भाई, चल जा जल्दी कर भाई, जल्दी कर, सब सबसे परेशान हम अपने कर्सर से परेशान। हाँ, कैरिंग अमाउंट 1315 है और रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ सब्सिडी इज 1000, दो फिगर आप याद रखिएगा आगे लगेगा, और 500 आपने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टेस्टिंग करते हैं, goodwill attributable to the non-controlling interests including subsidy recoverable amount of rupees 1000 but has not been recognized in parents consolidated financial statement, therefore the carrying amount of the subsidy should be grossed up to the including goodwill attributable to the non-controlling interest before being compared with the recoverable amount 1000. Goodwill attributable to the parent is 80%, interest in subsidy at the acquisition date is rupees 400 after allocating 500 to the other non-controlling within the parents. Bhai sir, इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिख दी, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो। 900 रुपये का गुडविल था जिसमें से उसने बोला था, ऊपर भी हम लोग बात कर लिए थे, 900 में से 500 को एट्रीब्यूट करना तो कर दिया, बचा कितना 400 का। देयरफॉर गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सब्सिडी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इज रुपीज 100, देयरफॉर द गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में कितना जाएगा, आई मीन 500 में से अगर आप निकालो इसका 20% तो 100 रुपीज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में जाएगा, समझ रहे हो। चलिए टेस्टिंग करते हैं, सब्सिडी फॉर इंपेयरमेंट एज ऑन डेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान दीजिए। कैरिंग अमाउंट कितना है गुडविल का, 400, क्योंकि 500 हमने पहले ही पेरेंट कंपनी में एलोकेट कर दिया।
नेट आइडेंटिफिएबल एसेट का 1350 जो हमने पहले ही आपको बता दिया टोटल हो गया इतना। अनरिकॉग्नाइज्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 100 है, ओके कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद टोटल ये हो गया 100। तो दो गुडविल है अपने पास, इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों लिखते हैं इंस्टीट्यूट यार। 500, 1500, 1850 रिकवरेबल अमाउंट 1000, तो डाउनवर्ड हो गया 850। करना कुछ नहीं था अपने को, देखो पता था 1350 का वो है कैरिंग अमाउंट, ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप अपने से करो यार क्वेश्चन। मतलब ऐसे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रुको कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, पहले अपने कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। कैरिंग अमाउंट क्या है अपना, कैरिंग अमाउंट है 1350 प्लस 400 प्लस 100। अभी 400 कहाँ से आया, ये 400 आया अपना 900 माइनस 500 जो हमने 500 एलोकेट कर दिया। अभी 100 रुपीज इसलिए आया क्योंकि ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का था, सो टोटल हो गया अपना कैरिंग अमाउंट 1850। अपना आर ई क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड दैट इज व्हाट 1000, आंसर विल बी 850 योर इम्पेयरमेंट लॉस। अब एलोकेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा, किसमें कितना एलोकेट होगा, तो भाई देखो अपना थंब रूल यही है 850 हुआ उसमें से जब एलोकेशन करेंगे तो पहला एलोकेशन हमेशा गुडविल को जाता है और बाकी किसी और को। तो कैरिंग अमाउंट में हमारा गुडविल कितना था 400 का और ये थे 1350, तो 400 इसमें और 350 इसमें, बात खत्म। इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनाने की क्या जरूरत है भाई साहब। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का गुडविल भी इसमें लिखना चाहिए था, इनको इन्होंने लिखा नहीं है तो वो भी चला जाएगा, ठीक है। टोटल 850 है, 850 आपका गुडविल है, इसमें क्या क्या जाएगा 850 में, आप मैं यहाँ पे एलोकेट करके दिखा देता हूँ आपको एलोकेशन और गुडविल टोटल कितना है 850 रुपीज। पहला गुडविल में जाएगा, गुडविल कितना है 400 और 100 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का, तो ये दोनों चले गए, बचा कितना 350, तो चल जाएगा नेट एसेट में। अपना 1350 था अब घट के हो जाएगा 1000, क्लियर है, चलिए ऑल क्लियर। मतलब कि अगला क्वेश्चन करें तो 14, ये तो सुपर इजी एकदम डैम इजी, पहले से ही किया हुआ मेरा तो मन कर रहा है कि रिपीटेटिव क्वेश्चन लग रहा है। ए लिमिटेड परचेज मशीनरी, 100 करोड़ का मशीनरी खरीदते हैं, मशीनरी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, ओके नो रेसिडुअल वैल्यू, अडॉप्ट स्ट्रेट लाइन, नहीं बोलो कि फिर भी हम समझ जाएंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई 2002, 2003, 2004, 2015, 2020, ये क्या है एस्टिमेटेड कैश फ्लो, तो वैल्यू इन यूज निकालेंगे, काम आएगी कि नहीं आएगी, जी आएगी। डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल, 10% का डिस्काउंट रेट है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, लेस कॉस्ट टू सेल मतलब एवरी लेस सी टी डी, ये हो गया 70 करोड़। वैल्यू इन यूज सी टी डी, खरीदे कितना थे 100 में, तो कैरिंग अमाउंट इतना, क्लियर। ये खरीदे थे 1 अप्रैल को, क्लोजिंग ये है तो डेप्रिशिएट करके कैरिंग अमाउंट निकल लोगे और फिर अपना इम्पेयरमेंट लॉस के लिए आर ए वैल्यू इन यूज डिस्काउंट करके निकालेंगे और फ्यूचर वेज हायर के लिए फेयर वैल्यू लेस सी टी डी तो दिया हुआ है। एक मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को खत्म करने में। ये फेयर वैल्यू है दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग रेट ये तो अपने को पता है, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया इतना। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द मशीनरी 75.31, क्यों हुआ हायर ऑफ द वैल्यू, वो दिया हुआ था ना एक वैल्यू आपका 70 करोड़ फेयर वैल्यू सीटीसी, तो ये हो गया इतना।
कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीनरी इज 80 करोड़। अभी क्यों हुआ 80 करोड़? क्योंकि आफ्टर प्रोवाइडिंग 1 ईयर डेप्रिसिएशन, उन्होंने बोला था ना 5 साल में यूज होगा, तो ये 80 करोड़ हो गया। 80 करोड़ का कैरिंग अमाउंट है, आर ए है अपना 75.31, तो आर ए का मैं तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा एंड दैट इज 4.6। नहीं यो इंस्टीट्यूट भी बहुत जल्दी कर दिया, हम सोचे इंस्टीट्यूट फिर से लंबी कथा लिखेगा। थैंक गॉड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऊपर ओके, अब ये यूज करेंगे फटाफट ऊपर नीचे। एज्यूमिंग इन द अबव क्वेश्चन ओके, एज ऑन March 31st, 2003 देयर इज नो चेंज इन द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो एंड डिस्काउंटिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल इज 40 करोड़। ये तो और कम हो गया, मतलब फेयर वैल्यू लेस CTC। हाउ वुड यू ड्रॉप द अंडर इन दिस 36? आई होप ये तो हो जाएगा इजिली। फ्यूचर कैश फ्लोज दिए हुए हैं, फ्यूचर ये हो गया वैल्यू और उसकी अभी, तो इसमें भी आप अगर दिखा दे, देखिए एकदम फटाफट नीचे आ गए, ये अच्छा है। पांचवा में रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द मशीनरी 67.83 बिकॉज हायर ऑफ टू हायर 67.83 वैल्यू इन यूज निकाल के तो दिया हुआ था ऊपर, तो ये हायर हो गया। कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीनरी 56.48, कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ द बी इज 56 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर 2 ईयर्स डेप्रिसिएशन दैट इज दिस। ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा डेप्रिसिएशन कैसे आया, ये डेप्रिसिएशन 100 माइनस 20 माइनस 4.69 ओके, क्यों किया गया? क्योंकि आपका एसेट डेप्रिशिएट हो गया था इतना, और फिर ये इम्पेयरमेंट भी है, तो ये टोटल आ जाएगा फेयर वैल्यू, ठीक है, और फिर माइनस 18.83 इस साल का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। आप जब एक साल यूज कर लिए, बाकी जो 4 साल बचे तो 4 साल को निकालेंगे लिए इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा इतना, तो वो उसका डेप्रिसिएशन। However, as per para 116, an impairment loss is not reversed just because of the passage of the time, even if the recoverable amount, so therefore impairment loss is 4.6 should be reversed, should not be reversed. यहाँ पे एक point लिखा हुआ है, however, as per para 116 of Ind AS 36, an impairment loss is not reversed just because of the passage of the time, sometimes called unwinding of the discount, even if the reversible amount of the asset becomes higher its carrying amount. कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट आपको तो बताना चाहिए हमें, ये बोल रहा है पॉइंट कि अब जो हम फर्दर इंपेयर कर रहे थे तो उसमें रिवर्सल का पॉइंट आ रहा है, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस 4.69 शुड नॉट बी रिवर्स, मतलब आ रहा है कि हम इतना रिवर्स कर सकते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, आपको रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला तो पता ही है, तो हमें इसको रिवर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो फुलफिल नहीं कर, बस समय के बदलने से नहीं होगा, मतलब समय के पासेस से नहीं होता है, आपको कुछ फैक्टर्स बताने होंगे, मार्केट में फेवरेबल कंडीशन हो गया, इंटरेस्ट रेट आपके फेवर में हो गया, तब जाके चेंजेस आते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर से इसको करते हैं, अपने से हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ए लिमिटेड परचेज 100 लाख का एसेट useful life 4 year, no residual recoverable amount of the asset is as below, March में इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, calculate the amount of impairment loss or its reversal if any on March 2000, इतना इतना okay, इतने का asset 4, मतलब 4 से divide कर दो 25, मतलब हर साल 25 का distribute होगा, तो हर साल का carrying amount उस हिसाब से निकलता जाएगा। एक मिनट, कैरिंग अमाउंट अगर निकालना जाए तो पहले साल का कितना होगा 75, तो क्या आर ए इज लोअर देन सी ए? जी हाँ लोअर है, तो ये 60 हो जाएगा ओके। अब अगले साल डेप्रिसिएशन करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, तो इस साल का
40 40, तो नो इम्पेयरमेंट लॉस। अगले साल चलते हैं, बचा कितना, 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ऑल्सो 20, मतलब ये हो गया 20, इस साल का 20, और ये है 28, तो यहाँ पे 8 का हो सकता है इम्पेयरमेंट लॉस। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है आंसर में, क्या है, हम लोग तो क्वेश्चन देख रहे थे भाई, तो नीचे आ जा, क्या फैसिलिटी है। हंड्रेड 25 माइनस के 75 और 60, तो इम्पेयर्ड हो गया, ये पहला साल तो इजी था, फिर कैरिंग अमाउंट 60 20 40 40 था, तो देयर विल बी नो इम्पेयरमेंट लॉस, ये तो हमने भी किया था। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, 40 था 20 20, ये हो गया, और रिकवरेबल अमाउंट है 28, सिंस द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट एक्सीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट बाई ₹8 लाख, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज अर्लियर शुड बी रिवर्स। अब ये बोल रहा है कि जो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट एक्सीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट बाई ₹8 लाख, अब रिकवरेबल अमाउंट एसेट के वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, मतलब हम एसेट से ज्यादा जो हमारी कैरिंग अमाउंट है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि कब रिवर्स होगा। जैसे प्रीवियस केस में क्या हुआ था, जब हमारा आरए ज्यादा हो जाएगा सीए से, जब हम एक बार पहले से इंपेयर करके रखे हुए हैं तब, ठीक है, हम इंपेयर कर दिए, मतलब मेरा आरए कम था, और फिर जब आर ए ज्यादा हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अब उसकी वैल्यू क्या होगी वो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला दिया होगा। तो वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, यहाँ पे हमने इम्पेयरमेंट लॉस कितनी की है, तो कितने इम्पेयर कर सकते हैं, पहली बात तो भैया यहाँ पे 15 लाख किया हुआ है, तो 8 लाख तो रिवर्स कर ही सकते हैं, तो टोटल 15 लाख है। ये यहाँ पे ये किस लिए हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्सीज द कैरिंग अमाउंट द रिकवरेबल अमाउंट, मतलब आज की वैल्यू मेरी 20 लाख है, मतलब हम बहुत ज्यादा उसको इम्पेयर करते, उतना नहीं करना चाहिए था, और ये वैल्यू रिकवरेबल 28 लाख है, मतलब अब इसको अपवर्ड रिवैल्यू करना होगा बेसिकली, या फिर आप बोले तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। However, the reversal of an impairment loss should not exceed the carrying amount that would have been determined. अब वही फॉर्मूला जो हमने बोला, ये however का फॉर्मूला वही वाला है जो हमने बताया था, आर ए माइनस सी ए विद इम्पेयरमेंट लॉस, सी ए विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस माइनस सी ए विद इम्पेयरमेंट लॉस। ये कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, मैं आपको लोअर ऑफ फॉलोइंग, ये होता है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, बट इंडिकेटर ये है कि रिवर्सल कब हो सकता है, जब आर ए ज्यादा हो जाए सी ए से, ठीक है, तो इस केस में है, तो आप लोअर ऑफ द फॉलोइंग निकाल सकते हो, अभी आर ए रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट विदाउट, ये विद इम्पेयरमेंट लॉस, विद इम्पेयरमेंट लॉस, और कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस, इन दोनों का वैल्यू जब निकलेगा और उसका लोअर ले वैल्यू से हम लोग उसको इंपेयर करेंगे। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st मार्च 2003 हैड नो इंपेयरमेंट लॉस बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वुड हैव बीन 25 लाख। अगर कोई भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं बुक होता तो हर साल 25 25 25, जैसे मैंने यहां बोला अरे कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस और कैरिंग अमाउंट विद इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है, तो ये 25 लाख होता, देयरफॉर द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस वुड बी 5 लाख। अब इसको अपने फॉर्मूला में हम लोग फिट करके करते हैं, ठीक है, आर ई कितना है यहाँ पे, रिकवरेबल अमाउंट 28, कैरिंग अमाउंट विद इम्पेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट विद इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया 20, अब कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस, विदाउट मतलब अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं करते तो 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, दैट विल बी 75 का डेप्रिसिएशन, तो रिमेनिंग बचता 25, 25 माइनस 20, तो ये हो गया 8, ये हो गया 5,
सो व्हिचएवर इज लोअर 5, तो रिवर्सल कितना होगा 5, क्लियर है? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में नहीं आएगा या फिर आ भी सकता है, बट आप ये फॉर्मूला लगा लो सीधा, आर ए माइनस सी ए विथ इम्पेयरमेंट लॉस और आर सी ए विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस माइनस सी ए विथ इम्पेयरमेंट लॉस, ये फॉर्मूला आप लगा लो, इजी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल आपको पढ़ना है तो आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में जाइए, वहां पे और अच्छे से बताया गया। इसको हम तो भूल ही गए, इधर से लाना है अपने को ऊपर 7 नंबर। मार्च 31st, हमेशा मार्च में 31st ही क्यों देता है, आपने कभी सोचा है? क्लोजिंग डेट है इसलिए, और क्या। लेकिन इस बार अपने यूएस में जा रहे हैं। On March 31st, 2001, XYZ Limited makes the following estimate of the cash flow for one of its assets located in the USA. Oh, cash flow इतना इतना होगा। Following information, but discount rate दिया हुआ India और US का। Exchange rates are as follows. कोई बात नहीं। Expected exchange rate ये रहेगा आने वाले तीनों के लिए। तो अपने लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, इसको टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरे क्वेश्चन समझे तो पहले पूछ क्या रहे हैं। कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, तो वैल्यू इन यूज कैश फ्लो से कन्वर्ट, मतलब जो कैश इनफ्लोज रहता है उसी से कन्वर्ट होता है, मतलब मिलता है कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि पहले हमें यूएस डॉलर में फिगर दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करके उस वैल्यू यूज को इंडियन करेंसी में लाना पड़ेगा। सो हाउ इट विल गो, लेट्स फाइंड आउट। एक ऊपर नीचे से, अच्छा ये कर सर ऐसे कर लो, तो कैश फ्लोज क्या क्या है वैल्यू यूज निकालने के लिए। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, यूएस डॉलर का है, डिस्काउंट कर लिए इंटू करके इतना हो गया। एक्सचेंज रेट एज ऑन द डेट ऑफ 31st मार्च, दैट इज डेट ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज, इज $45 पर यूएस डॉलर। सो वैल्यू इन यूज किस दिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे उसके पहले की 31 मार्च 2001 और 2 जब शुरू होगा उसके पहले, मतलब उसके ओपनिंग पे, तो उस दिन का अपने ले लेंगे डेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज रेट किस दिन का लेंगे, जिस दिन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 45 यूएस डॉलर उस दिन। तो वैल्यू इन यूज इन द करेंसी, अपने करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दो तीन चीज इसमें आपको याद रखनी है, जब भी फॉरेन कैश फ्लोज रहेगा तो एक्सचेंज रेट क्या लेंगे, एक्सचेंज रेट उस दिन का लेंगे जिस रेट पे, जब सपोज करिए ओपनिंग, या फिर जिस दिन पे आप कैलकुलेट कर रहे हो बेसिकली। एक्सचेंज रेट एज ऑन 31st मार्च, तो जिस दिन आपको पूछा जा रहा है कि वैल्यू इन यूज क्या है, ऑन द डेट ऑफ वैल्यू इन यूज, मतलब जिस दिन का वैल्यू इन यूज पूछा जाएगा उस दिन का अपडेट लो लोगे, या फिर जिस दिन आप कैलकुलेट कर रहे हो आ रहे, तो उसको। दूसरी बात आपको करनी है फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना है, फंक्शनल करेंसी। एंड व्हाट दैट, व्हाट इट इज, इट इज मतलब एक्सचेंज रेट यूज करके फंक्शनल करेंसी में यूज करना है। जैसे फंक्शनल करेंसी इंडिया की रुपीज है, तो जो ज्यादा यूज होती है तो उसमें कन्वर्ट करना है। तो बस ये दो पॉइंट था। वैल्यू यूज मतलब जो भी कैश फ्लोज है उसको डिस्काउंट करो, फिर एक्सचेंज रेट से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दो, बस यही क्वेश्चन था। स्क्रीन आउट हो जा रहा होगा ना। कैश फ्लो इज ₹100, ₹200, ₹300 with probabilities of 10%, 60%, 30% respectively, calculate expected cash flows. Cash flows बताइए expected क्या होगा? 100, 200, 300 into आ गया answer, so easy. 100 में से probability है कि 10% मिलेगा, ₹10 cash flow. 200 में से probability है 60% मिलेगा, ₹120 cash flow. 30% मिलेगा 300 में से प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया आपका कैश फ्लो। आर यू फीलिंग गुड, इतना कैश फ्लो आप कमा लिए।
क्या मजाक करते हैं इंस्टीट्यूट, क्या पूछ लेते हो. कैश फ्लो ऑफ ₹1000 मे बी रिवाइज रिसीव्ड इन 1 ईयर. ओके मे बी 2 ईयर्स और 3 ईयर्स एंड प्रोबेबिलिटीज विथ इतना इतना इतना. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अज्यूमिंग एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है. पहले साल में 1 मतलब 100, 600, 300, बट इनको डिस्काउंट भी करना है. तो इसमें थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, समझ रहे हैं? अच्छा है, ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए. ये 1000 कैश फ्लोज है तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी. फिर प्रोबेबिलिटी मतलब 1000 में से, अच्छा पहले से इन्होंने, हमने 100 × 10% किया था, मतलब 1000 × 10%, इन्होंने उसको पहले ही मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे ला दिया है. हम जो बोल रहे हैं तो उसमें हम लोग बाद में लाते हैं, तो ये अच्छी बात है. 1000 प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ये प्रोबेबिलिटी ये हो गई, बात करता हूँ एक्सपेक्टेड ये हो गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. हाउ डू यू फील अबाउट योर टेस्ट, योर नॉलेज, कैसा है नॉलेज? आई मीन इलस्ट्रेशन करने के बाद नॉलेज टेस्टिंग होती है. सो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर नॉलेज? लेट्स डू द लास्ट. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. द एस्टिमेटेड अमाउंट फॉल्स समवेयर, ओके 50 और 250 के बीच, बट नो अमाउंट इज रेंज इज लाइकली मोर लाइकली देन एनी अदर अमाउंट. ठीक है, अब क्या पजल खेल रहे हो? एस्टिमेटेड अमाउंट फॉल्स मतलब समवेयर इन बिटवीन, बट नो अमाउंट इन द रेंज इज मोर लाइकली देन एनी अदर अमाउंट. अच्छा, सो द एस्टिमेटेड कैश फ्लो इज 150. तो दोनों का एवरेज ले लिए. फिर इधर क्या है, तीनों का एवरेज लिया हुआ है. एस्टिमेटेड कैश फ्लोज 150, इसका जितना जितना परसेंटेज है. ये तीनों क्वेश्चन इजी इजी है. ये क्या हुआ, 50 + 250 का एवरेज, मतलब कोई भी आ सकता है समवेयर इन बिटवीन. तो इसका एवरेज ले लो, एजम्पशन ले लेते हैं, और क्या, समवेयर बिटवीन. मोस्ट लाइकली इज 1100. तो तीनों का एवरेज ले लो. हाउ एवर द पॉसिबिलिटीज आर इन, तो तीनों को डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया. एस्टिमेटेड अमाउंट 50, 10% पॉसिबिलिटी, तो 50 को 10% पे डिस्काउंट करो, मतलब 30% प्रॉबिलिटी, 60%. ये रहा, मतलब इसका 50 का 10% कितना हो गया, ₹5 आई थिंक सो. और इसका 30% निकाल लो, इसका 60%, ये 60 हो गया, 60, 65, 65 मतलब 70, 75 ही आ गया. ओके तो ये तीनों फिगर आ गए. सो दैट्स इट. ऊपर नीचे फटाफट जा रहा है ना ये तो ब्लैक आउट हो गया. ओके शो वी फिनिश द इन डेज व्हाट 36. के हो गए सारे के सारे क्वेश्चंस. व्हाट्स नेक्स्ट, वी विल डू AS 28 के क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टडी मटेरियल. और उसमें क्या है, वो भी है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स. ओके सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. बने रहने के लिए शुक्रिया. आप अपने विचार स्पष्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं या सकती हैं. आप के जो भी विचार हो आप हमें बताइए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. बस आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया. यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल एंड व्हाट वी विल.